سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مسباح المكربين محب الفقراء الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين برنامج صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان احمد غازی حاضر ہے नाजन इक्राम हज़रत अबूअस मोहम्मद बरकतली साबरमल्ल की तालीफ़माऊ नबील करीम सला वसलम से एक इसम मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ सैद ना अलमनविर सल्ला वसलम हमारे सरदार दिलों को मुनवर करने वाले दुरूदो सलाम भेजे अल्लाह आप सल्ह वसम आपकी आल पाक और आपके साहब कराम पर हजरत जाफ़र तैयार रजी अल्लाहों ने शाह हबशा नजाशी के दरबार में एक पुरसर खुतबा अरशाद फरमाया था जिसका लब लब ये था एशाह हम जाहलीत की ज़िंदगी गुजार रहे थे बुतों की पूजा करते मुरदार खाते बे राह रवी का शिकार थे रिश्ते नाते तोड़ते पड़ोसीियों से बुरा सलूक करते और हमारा ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था इन हालात में अल्लाह ताला ने हम में से ही अपना एक रसूल मबूस फरमाया जिसकी आमद की खुशखबरी अलैहिस्सलाम ने दी थी और उनका नाम अहमद बताया था उन्होंने हमें दावत दी कि हम अल्लाह को एक माने उसी की इबादत करें और हमारे बाप दादा जिन बुतों की पूजा करते आए थे उनको छोड़ दें और फिर जब हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह तन हो सूर मरीम की चंद आयात मुबारक की तलावत आपने की तो नजाशी ने कहा यह कलाम और हजरत मूसा का लाया हुआ कलाम एक ही चराग से निकली हुई रोशनी है मैं गवाही देता हूँ कि महमद सल्ला वसलम अल्लाह के वही रसूल हैं जिनका ज़िक्र हम इंजील में पाते हैं और जिनके मिलाद की बशारत हसीदनासी ने दी थी नाजगराम आज मैं तमाम आलम इस्लाम के फ़रजानदा ने इस्लाम को और सारी बाज़्त इफत इस्लाम की बेटियों मुसलमान बेटियों माओ बहनों और बच्चों को सबको माह रबी अव्वल माह रबी नूर का पहला आज यौम है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़ इक ये आलम इस्लाम के लिए बड़ा खुशी और राहत का मकाम है कि इस दिन उस हस्ती पाक की विलादत पाक हुई जिनके बारे में अल्लाह करीम ने इशात फरमा दिया अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैं इस कायनत को पैदा ना करता ये सारी कायनातें जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाद पाक का है और फिर अल्लाह करीम ने इशात फरमाए नबी करीम सल इशात फरमायामा ख़ल नूरी अल्लाह ने फ़रमाया, हमने सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया तो नाज़िक कराम आज माह नूर का पहला दिन मुबारक ये सारी राहतें ये सारी खुशियाँ और मेरी गुजारिश ही होगी अपने सारे नाजरीन और सामीन से कि यकम रबी अवल से लेकर बारह रबी बिलखसूस और सारा माँ पे बिलूम दरूद पाक जितना हो सके कसरत से पढ़े और बारह रबी अब्ल की सुबह जो सुहानी सुबह है जिस सुहानी घड़ी चमका तयबा का चाँद उस वक्त फिर ये दरुद पाक अल्लाह करीम से अर्ज़ करें कि नबी आलमीन सल वम की बार का अकदस में हम ये पेश कर रहे हैं नाजिक राम ये लम्हा ख़ुशी के वो हैं जब आसमान वालों ने भी खुशी मनाई थी और पूरी अल्लाह की जितनी बनाई हुई कायनते हैं उन सब में से एक ही ऐसा बदनसीब था जिसने उस दिन चीखा चिल्लाया और जिसने अफसोस का इज़हार किया उसका नाम इबलीस है और मुफ्ती अहमद यारखान नईमी ने फरमाया था कि सिवाय इबलीस के, के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सब लोगों ने खुशियाँ मनाई और ख़ास तौर पर हज़रतमान बिनास रज़ी तरमाती मेरी वालदा माजदा सैदा अमना के पास थी जब विलदत मुस्तफ़ा सल वसम हुई तो मेरी वालदा ने देखा कि आसमान से ये जो सितारे थे ये झुक कर इतने करीब आ गए कि बिल्कुल उनके हाथ अगर ऊपर उठाती तो वहाँ तक आ जाते उनको डर भी लगा कि शायद ये गिर जाएंगे और सैद आलमीन वसल्लम की वालदा माइदा सैयद आमना तैयबा ताहिरा फरमाती थी कि जब नबी करीम सल्ला वसम का जहूर पाक हुआ तो मेरा सारा घर बुक्का नूर बन गया रोशन हो गया और रोशी यहाँ तक पहली के शाम के महल्लत देखे और बसरा के बाज़ारों में चलते हुए ऊँट भी उन्होंने देखे थे नाजर इक्राम ये खुशी जो है कि ये जो आतशकदा फ़ारस जो था हज़ार साल से जलता हुआ वो बुझ गया था और नूर मुस्तफ़ा का जहूर हुआ ये कलियाँ फूल गुंचे रंग मौजे सबा क्या है नबी के हुसन की खैरत है इसके सिवा क्या है और आज के दिल ये चाहता है कि सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी सलाम ए फ़्र मौजूदात फख्र नौ इंसानी और नाज़िक राम ये आज माह नूर शुरू हो गया सारे आलम इस्लाम में ख़ुशी की लहर दौड़ गई और क्यों ना हो कायनात में जो जहालत के अंधेरे थे वो भी जो कुफर के अंधेरे थे वो भी जो जुल्म के अंधेरे थे वो भी जो मासियत के अंधेरे थे वो भी वो ख़त्म हो गए और फिर ऐसा नूर आया जो आज तक जगमगा रहा है और वलल आखिर तो खैरल्ला का मिनलूला हर आने वाली घड़ी हमें यही नजर नज़र आती है कि वो ज़िक्र जो है वरफाना अल्ला का ज़िक्र कि ये जिक्र बुलंदर होता जा रहा है हर लमे उम्मत मुसलमान के जो मोहब्बत वाले और गैरतमंद पाक माओ का दूध पिए हुए फ़र्जंद हैं और बेटियाँ हैं वो तो रात दिन अब यकम रब्वल है घरों में एक रोशनियाँ हैं खुशियों की बहार आ गई है और ये ऐसी बहार है इसकी जो चमक और रोशनी और खुशबू है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और सिर्फ़ शैतानी जहन जो है ये शैतान के चेले ही इससे परेशान होते हैं जो मोहब्बत वाले लोग हैं अल्लाह के फजलो करम से उनके कुलूब में भी मैं तो एक बहुत अपने अंदर ताजगी महसूस करता हूँ कल्ब की कैफियत ही मुख्तलिफ हो जाती है और मेरी गुजारिश सबसे ये होगी दो नफल रात को सुबह की नमाज से पहले ज़रूर बारह लेवल तक कम अज़ कम ज़रूर उठ के पढ़ें फिर अल्लाह आपको तोफी देगा इन शाला आइंदा बरस तक आपकी तजुद कज़ा नहीं होगी दो नफल बारह दिन तक कोई मुश्किल नहीं है अब बिसम कीजिए और आज से शुरू कीजिए नाजे आज उम्रीन सैदा जैन बिनत खजामा रजी अल्लाह ताली आम विसाल भी है उम्म की माँ थी हमने उनका भी ज़िक्र पाक अपनी उम्म की माँ का भी करना है इनका लकब जो था उमुल था नाजरिक सारा अरब जानता था कि यह दस्त इनका जो दस्त सखावत था वो कितना तवील था ये कोई आदमी जो इसके इनके घर पे आ जाता था उसको इन्होंने कभी ना नहीं की इन्होंने इस्लाम की खातर तकलीफ़ उठाई हिजरतें की इनकी पहली जो निका थे वो जिनसे थे वो दोनों असों असाब जो थे एक बदर में शहीद हो गए एक ओहद में शहीद हो गए और नाज़ कराम ये नबी करीम सली वसलम की दूसरी जौजा महतरमा जो है सैदा ममूना की भी रिश्तेदार है माँ की तरफ़ से ख़ास इनकी एक जो इनफरादियत है सारी उमिन रज़ी अल्लामा में वो कमाल की है हज़ूर सैद आलमी सल्ह् वसलम ने इनका जनाजा खुद पढ़ाया इनको ख़ुद कब्र में उतारा और नाजर कराम चूँकि सैदा खतीजत उनको बरा रज़ील तक का अगरचे विसाल तो हज़ूर सैद सल्लम की हयात पाक में हो गया था उस वक्त नमाज जनाजा अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी इनका चूँकि इंतकाल मदीना मुनवरा में हुआ लिहाजा इनका जनाजा सरकार वसम् ने पढ़ाया ख़ुद इनको कब्र मुबारक में उतारा और नाजर कराम वो जन्नती वो जन्नत की हूरों की सरदार खातून जिनके लिए चश्म मरा हूरें भी थी आज उनका भी योम वशाल है उम्मत की माँ है हम उनका ज़िक्र पाक करेंगे तो मकिन गुमबद खजरा अलैहि वसल्लम भी बहुत हम पे ख़ुश होंगे उनकी निगाह करम तो हारे को हासिल है लेकिन जो अहले मोहब्बत और ग़ुलाम है उनको खसूसी तोज्जो हासिल होती है हमें हासिल है और मुझे यकीन है मेरे जो नाज़रीन है नाइन्टी टू के नाइन्टी टू चैनल देखता ही वो है जो रसूल वसम का गुलाम है जो रसूल से मोहब्बत और इश्क करता है ये आशकान का चैनल है मैं जहाँ जाता हूँ ये मैं देखता हूँ कि इस चैनल के बारे में लोगों के जज्बात ऐसे होते हैं मुझे बाजुक़ात अपने बारे में नदामत होती है लोग हमारे बारे में इतनी बुलंद राय रखते हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे सारे जो स्कॉलर्स हजरात मेरे साथ आते हैं अल्लाह इनको वो लोगों की तो मुताबिक वो अखलाक़ी बुलंदी नसीब फ़रमाए आज मेरे साथ शरीक गुफ्तु नाजिक राम सारी उम्र ताल से ताल्लुक़ रहा बहुत सीनियर उस्ताद प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब हैं उनके साथ जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद कादरी और उनके साथ नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर बशीर बशारत सिद्दीक़ारवी साहब हैं आखिर में बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है नात ख़ानों में कारी मोहम्मद अफजाल अंजुम से मैं आपको आज नात भी सुनवाऊँगा जी प्रोफेसर साहब शुरू करते हैं सैदा उमुल सैदा जैन बबितजै रजील से फिर मेरे हम अपनी ब्रेक के बाद फिर आज रबी, रबी के भी तरफ तस्करे करेंगे जी बसमिल्लर बहुत शुक्रिया मोहतरम गाज़ी साहब हजूर सैद आलम सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में आ जाने वाली एक एक चीज़ साहदत की बुलंदियों पर पहुंच जाती सुबह सादत निशान बन जाती निशान बन जाती इसमें कोई शक नहीं सैदा हजरत ज़ैनब बिन तुजैमा बिन तब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्द मनाफ़ इब्तदा से ही घराने की खातून हैं और इन्होंने पूरे अरब में एक मस्किनों के साथ मोहब्बत का जो नाम पाया उसकी वजह से जैसे आप भी फ़रमा रहे थे कि मसाकीन, फिर अल्लाह ताला ने उस मसाकीन को जो शर्फ़ दिया नबी रहा सल्ला वसलम के आप फरमाते हैं आपकी दुआ है अल्लाह मख्यनी मस्किनम व अमितनी नी मस्किनम व शुरनी फ़ी ज़ुमरतिलमसाकिन अल्लाह मुझे मस्किन बनाकर ज़िंदा रख मस्किन होने की हालत में मुझे मौत दे और क़्यामत के दिन भी मुझे मसाकिन के ज़ुमर में उठा सुहा ये पैगम्बर रहामत सल्ला वसल्लम की शहनशाह कायनात की इक्लीम रिसालत और किशवर नबूवत के अजीम ताजदार की जो दुनिया में आए ही ख़जानों की चाबियाँ लेकर कर हाथ दुनिया में कदम रखा सही। और थोड़ी देर के लिए उमल हज़र सैद आमना सलाम उल्ल की नज़रों से आपको ओजल कर दिया गया और उसके बाद जब आप लाए तशीफ़ लाए वापस आपको लाया गया तो आपके हाथ में चाबियाँ थीं और उन चाबियों के बारे में आप फरमाया करते कि ऊती तो मफाती हा खज़ा वल अर्थ अल्लाह ने मुझे जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां अदा कर दी हैं तमाम खजानों के मालिक मैं तो मालिक ही कहूँगा महबूब में नहीं दे तेरा मुफ्ती साहब कमाल ये है कि ये जंगों में भी शरीक होती रही और बाकायदा बेहतरीन जिसको कहना सर्जन थी बिस्मिल्लाम ख़ानदानी शराफ़त और वजाहत के अतबार से इनका सलसिलसिला नसब अठारहवीं नबी करीम की पुशत में जो आपके दादा जद अमजद हजरत मदर रजील् त थे उनसे जाकर मिलता है अच्छा ये क्रैश की उन पाँच मुआज़ तरीन ख़वा में से एक हैं जिन पाँचों से नबी रहमत महबूब खुदा सल वमा ने निका फ़रमाया ठीक हज़रत ज़ैनब बिनत ख़ुजामा ताला तहा को ये शर्फ भी हासिल है कि आप की वालद माजदा पूरे अरब बल्कि कुल इंसानियत में ससुराली रिश्तों के अतबार से अपनी मिसाल आप हैं और इनका कोई सानी नहीं है आपकी वालदा हजरत हिंद बिन औफ़ उनकी दो बेटियाँ यक दीगरे

एक इनके दामाद हैं हजरत جعفر बिन अल ब्रज़ी अल्लाह सुभान और एक इनके दामाद हैं अजीम साहबी हजरत शद्दाद बिन हाद رضی اللہ تعالی दामादों के लिहाज से जो जोशने मिला इनका <laughs> मुकाबला पूरी कायनात में कोई नहीं है सुभान अल्लाह हजरत सैयदہ زینب بنت خزیمہ की जो तीन और बहनें थीं हजरत خزیمہ زینب بنت خزیمہ को मिलाकर इन चार बहनों को नबी करीम ने एक खसूस लकब अदा किया था वो ये था दिल आवेज़ ख़ताब था कि ये चारों वो अजीम बहनें हैं कि हर हर बहन के सीने में ईमान नक्श है उनमें हर जैनब बिनते खुजैमा लबाबा बिनते हारिस, हारसा और तीसरी थी हज़रत असमा बिनते उमैस और चौथी थी सलमा बिनते उमैस रदी अल्लाह तन्ना <coughs> आपने जो जिक्र फ़रमाया मरहम पट्टी का तो जंग बदर में जब इनके पहले खावन और शहर नामदार हजरत उबैदा जब विशाल शहादत का जाम नौश फरमा गए बड़े दलेर और जरतमंद थे और लड़ते लड़ते राय खुदा में शहीद हुए तो इनको खबर भी पहुंच गई कि आपके शौहर शहीद हो चुके हैं तो ये उस वक्त ज़ख्मियों की पट्टी कर रही थी तो इन्होंने खबर सुनने के बावजूद आगो हाँ। फुआ करने के बजाय वहीं पर जिस काम में मसरूफ थी वो काम करती उसको रही उसको मुकम्मल किया अच्छा जी उसके बाद फिर इसके बाद वाली जो जहाद था उसमें भी शरीक हुई बि बिस्मिल्लर उमुल मोमिनजरत सैदा ज़ैनबरज़ी तै के वाला से कुतुब सैर के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़ूर नबी करीम सल्ला वम ने जब इजार नबूत फरमाया तो उस वक़्त इनकी उम्र तेरह या चौदह साल थी लेकिन जमाने जहिलियत के अंदर भी उम्मुल मसाकीन इनका लकब कबूल सलाम से पहले का है ये इनकी सखावत फियाजी और उराबा और मसाकीन का ख्याल ये पहले से ये सारी खूबियां इनके अंदर मौजूद थी फितरत खुद ब खुद करती है लाले की इनाबंदी कसाम अजल चुन लेते हैं ना बिल्कुल ये उसने इंतखाब रब का पहले से ही था इसीलिए कुतुब सैर में ये बात मौजूद है आपके कबूल इस्लाम के वाले से कि इस्लाम कब कबूल किया तो उसमें सीरत नगारों ने लिखा कि हज़ूर सल्लाम के दार नबूत के, के बाद दो गोह सामने आए एक तो वो थे कि जिन्होंने हज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वम की दावत पर लब कहा और दूसरे वो थे कि जिन्होंने शिकावत और बदबकी की बुनियाद पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कोत और तकालीफ पहुँचाई वो फरमाते हैं कि हज़रत सैदा ज़ैनबरजी अल्लाह शुमार साबिकीन अवलिन के अंदर इस लिहाज से किया जाता है कि अगरचे सराहत के साथ ये बात मौजूद नहीं है कि आपने इस्लाम कब कबूल किया लेकिन जमाने जहलीत के अंदर जो खसूसियात आप में पाई जाती थी आपका सुथर और पाकिज़ा किरदार सखावत फयाजी सबितदमी सबर और हौसला उन सारी सिफात की बुनियाद पर मोहिकीन ने यह लिखा के बिल्कुल इब्ता इस्लाम के अंदर आप कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी दूसरी बात यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि अल्लम ने जब मदीना तयबा की तरफ हजरत का हुक्म दिया तो उस वक़्त आप हजरत अबैदा बन हारिस रज़ी अल्लाह तिका में थी और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तु वो सयाबी रसूल हैं कि मक् मज़मा के अंदर हजरत बिल अबशी रजियथ इनको रिश्ते के अंदर

तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे मदीना तयबा की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला है तो ये पाँच अफरा थे हज़रत सदा ज़ैनब उबैदा बिन हारिस और तीन अफरा और थे ये पाँच अफरा का मुख्तर काफ़िला मदीना तयबा की तरफ रवाना हुआ मदीना तयबा ये पहुँचे सलाह ने हज़रत उबैदा बिन हारिस को शेख उमहाजिर का लकब अता किया मदीना तयबा के अंदर हज़ूर सल्ला वम की अजवाज में से सबसे पहले जिस जोजा मुतहरा का इंतकाल हुआ वह हज़रत सैद ज़ैनब बिनत हुज़ैम रजियल्ला ता हैं और फिर आपको ये एजाज भी मिला और ये एजाज़ अल्लाह ने आपको बख्शा कि वो खवीन और वो हजरात जो खुश नसीब हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर मुश्किल को मसाइब को तकालीफ़ को बर्दाश्त किया जिस तरह आपके शोर हजरत बबैदा बन हारिस ने उन तकालीफ को बर्दाश्त किया इसी तरह हज़रत सयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ता भी उन मसाइब के अंदर और तकालीफ को बर्दाश्त करने में उनके साथ शर्क थी अच्छा जी प्रोफेसब उमुल होना ये इन इट इतना बड़ा शरफ़ है देखे ना कोई ईमान की आंख से एक लमह के लिए चेहरा मुतफ़ा की ज्यारत करे तो वो सबी हो गया कुरान में उसको रज़ी रज़ील्णन वरदूनऊ का सर्टिफिकेट मिल गया वो जन्नती है जिनको कुर्ब अलैहि वसल्लम ज़मानी भी मकानी भी जिसमानी भी हासिल हो उनके मकाम उनकी, उनकी अजमत और उनके मरतबे को कोई नहीं पा सकता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें क्यामत तक आने वाले ईमानदार लोगों की माओ का दर्जा अदा करती हैं फिर कुरान करीम ने वाज तौर पर कहा कि या निसा अन नबी लसत कहा दुनिया की कोई औरत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती कोई तुम जैसी नहीं है तो ये जो मरतबा मकाम अल्लाह ताला ने नबी तबी रहामत अलैहि वसल्लम के घराने को अता किया है तो उसमें आना इससे बड़ी सादत और ख़ुशनसीबी की बात कुछ और हो ही, ही नहीं सकती तो सैद हज़रत जैनब बिनत हजैमा ये पाँचवें नंबर पर हजूर सैद आलम सल्ला वसलम के घरने में दाखिल हुई हैं और नबी रलील् वसल्लम के पास इन्हें ज़्यादा अरसा क्योंकि अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ी अल्ला मैदान उहद में शहीद, शहीद हो गए जी और इन्होंने ये जो मुसलसल सदमात पर सब्र किया अल्लाह के नबी आसम ख़ुद तशरीफ़ ले गए ये तालीफ़ कल्बी थी तालीफ़ कल्बी थी फिर आपने चार सौ तेरह इसके अंदर ही इसी नका के अंदर ही इस बात का भी जवाब है जो बदब्त विलियम जैसे और दूसरे लोग जो थे या ये जो दौरे हाजर का वो क्या है जी सलमान रुशदी जैसे कमीने और खबीस लोग जो से करते हैं। जैसे। हाँ ये गंदे लोग हैं इनका जिक्र नहीं करना चाहिए मैं तो ये भी कहता हूँ जी कि कुत्ते और खंजीर का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल आदमी कर ले तो वो तो बेहतर है ले ले कुरान में इससे भी बदतर कहा है वही मैंने कहा कि मतलब एक दिन मैंने यहाँ कहा ये कुत्ते और खंजीर तो मुझे फिर ख्याल आया कि कल को अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत करेंगे कुत्ता कहेगा मैं हज़ूर का नहीं खंजीर कहेगा मैं तो नहीं हूँ जनाब मुझे गाजी साहब ने किरम में शामिल कर दिया हाँ। तो ये उससे भी गिरे हुए लेकिन इसके अंदर एक जवाब ऐसने कहा है पाक के अंदर कि हजूर सल्ला व क्यों निका फ़रमाए उनमें से एक हमत यह है तालीफ कल भी तालीफ कल भी और फिर ये कि आप सल्ला वसलम रहा हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल दार हाँ हाँ तो, उनकी तो नहीं कि के बशर को खबर न हो।, हो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए सब गम बुला दी। दी उनकी याद गम बुला देती है तो उनकी कुर्बत जो है उसका क्या हाल होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर खुद इनको तसल्ली दी और उसके बाद इ्जत गुजरने पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा तो सैदा ज़ैनब की खुशी की कोई इंतहा न थी कि ये नस्बत मेरे पास फिर नबी रहमत रत अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज मतःारात के साथ मोहब्बत का उनके साथ इखलास का जो नमूना नमून क्यामत काने वाले मुसलमानों को अता किया है वो अपनी मिसाल आप है तो ये बात कि इनकी सदतमंदी कि पैगम्बर रहामत अलैहि वसल्लम के घराने में आना दुनिया की मुमताज़ तरीन खातून बनना क्यामत के दिन आप अलैहि वसल्लम के साथ फिर ये कि आप सल्ला वसल्लम खुद कबर में उतार रहे हैं आपकी है। जोजा मतरा सैद हजरत खदीजा तो मक् मुकरमा में फौत हो तो ये दूसरी हैं जो आप अलैहि वसल्लम की हयात दुनियावी हयात में फौत हो गई अच्छा इनके बारे में तो कोई रसूल इंडिकेशन भी नहीं थी वो की सबसे पहले जैसा विशाल होगा वो लंबे हाथ वाली होंगी तो उमातुल जो थी वो अपने हाथ नापा करती थी दीवार के साथ किसका हाथ लंबा है तो असल में इससे मुराद थी सखावत सखावत मुराद थी और उनकी सखावत का आलम ये था कि ये बचपन से ही फ़याज़ और सखिया थी इनके पास कोई गरीब आ जाता ये खाना खा रही होती तो अपना सामने से खाना उठाकर गरीब को पेश कर दिया सुबार लागा। लागा। सुबार। इस कदर फयाज थी और जिनकी जात का वस्फ ही जोबीन पहले पहले तो मसाकीन भी है निकाह में आने से पहले ये लकब तो कुदरत की सिलेक्शन थी मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये वो दूसरे इंतजाम जो मैं कहता हूँ ना वो ये मुझे ब्रेक लेनी है नाज इकराम बहुत मख्सर सी ब्रेक और जिक्र पा कि ये होता है हम शादत हासिल करते हैं असल तो मकसद ये होता है हमारा हाजरी लगवाना कि हम आपके ग़ुलामों में से हैं बस ये मकसद होता है ये सारा और जो लोग सुन रहे होते हैं इनका जिक्र सुनना इबादत इनका जिक्र करना इबादत इन असलियों का इससे आदमी के गुनाह मुआफ़ होते हैं इसमें आदमी की रूह को एक परवाज मिलती है बुलंदी मिलती है ईमान को ई की दौलत मिलती है और यकीन की दौलत मिलती है और इस मोहब्बत भरी ज़िक्र में वेलकम बैक नाजेन कराम हदीसे कुत्सी अल्लाह करीम ने शात फरमाया का लमा खलतलफलाक ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप का वरुद मसूद न करना होता आपको न पैदा करना होता तो ये सारी कायनातें पैदा न होती ये हज़ूर सैद आलमीन सल्ला वम वजह तखलीक़े का इनात भी हैं और मकसूदे कानात भी आपली वसल्लम की जात है और नाज़िक नाम आपली वल्लम का अरशादे ग्ररामी कि अव्वल उमा ख़लाकल्ला नूरी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और अमामा इकबाल की मुझे याद आती है बात कि आपल जो हदीस पाक है ना कन तो नबी आदमो बैनलामाय वीन मैं उस वक्त भी नबी था जब सैदना आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे तो इकबाल फरमाया करते थे कि शौर नबूत में माजी हाल और मुस्तबिल तीनों बराबर हैं सैद आलमी सल वम जनाब आदम की जो पैदाइश थी उसको भी देख रहे थे और ये नूर मुस्तफ़ा सल्ह्व वम ये चलता रहा और फिर जब इसका जहूर ज़हूर हुआ तो फिर कायनत में क्या इनकलाब आया क्या तब्दीली आई ये जो दौर है ये दौर रसाल सल व ये अब नबी करीम अलैहि वसल्लम का तायामत ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि अब क़यामत तक ये जो ताज़ तख्ते ख़त्म नबूबत है यह सैद आलमी सर पर सजा हुआ है और हज़ूर सैद आलमी सल्ल वसम के बाद किसी नबी का आना बतौर नबी के इसका तस्वुर करना भी कुफर है गुमराही है और मुझे बड़ा दुख हुआ कल मैं किसी पीर साहब का कोई देख रहा था टीवी पे वो कुछ इस तरह की बात कर रहे थे कि ये अगर कोई इस तरह की बात हो जाए ये इस्लाम कुफर का मामला नहीं है नबी करीम अलैहि वसल्लम की खत्म नवूत के साथ बाल बराबर कोई खिलवाड़ करे ये कुफ़र है इतना बड़ा कुफर है जिसका सफर नहीं हो सका कोई बंदा ज़रा सोच ले कि सैद आलमींद व्ल्म के बाद कोई नबी आ सकता है ये कुफर है कोई सोचे कि उसके साथ नरमी इख्तियार की जाए जो हजू सज के बाद नबूवत का दावा करे वो उसी वक्त दार इस्लाम से खारिज हो जाता है अल्लाह की लानते उस शख्स पर बरसती है तो नाज़िर करम इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए अब जिक्र पाक सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है उन्हीं का नूर है जी

लौला का लमह खलकरदीन आपको पैदा करना मकसूद ना होता हम जमीने भी पैदा ना करते सुबह अल्लाह हत्ता के आलमीन ला ने महबूब व सलाम की वजूद की अहमियत को बयान करते हुए यहाँ तक इरशाद फरमा दिया लाला का लमा अजहर तुरू भी अः हाँ। महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम अपना रब होना भी किसी पर जाहिर ना करते जब कोई होता ही ना तो उसे मालूम क्या होता कि रब है इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने फरमाया वो जो ना थे तो, तो कुछ, कुछ ना था।, था वो जो ना हो तो कुछ ना, ना हो, तो कुछ ना। ना हो। जान है वो जहान जान है वो जहान की जान और जान है तो जहान है जान है तो जान है तो जहान है जी जी गाइस साहब बिल्कुल ये हकीकत है कि हुजूर <गएलगं>। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम <avocado> जान-ए-कायनात हैं रूह-ए-कायनात हैं असल-ए-कायनात हैं हयात-ए-कायनात हैं मरकज-ए-कायनात हैं वाह जैसा कि आपने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु <carbono> अलैहि वसल्लम की यदी से पाक की तरफ इशारा किया ये बात हमारे जहन नशीन रहनी चाहिए कि जिस तरह हजूर सल अल्लाह वस आखिरी नबी हैं, पहले नबी भी आप ही हैं असले कायन आप हैं और हजूर सल्लाम उस वक्त भी नबी थे जब कुछ भी नहीं था और इसकी तरफ इशारा हजरत लामा काजमी अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसे बयान किया कि एक इंसान जिस वक्त पुरकार के साथ दायरा बनाता है तो पेंसिल के साथ दायरे की इब्तदा जहाँ से होती है इंतहा भी वहीं होती है दायरे नबूत की इंतहा भी हजूर है और इब्तदा भीजूर सल्लाम है ये वो क्या है वल अवल हो वल आखिर हो वाली सलीम ने कहा इकबाल इससे भी आगे की बात कर गया जी सुबह उसने कहा निकाह है इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुर वही फुरह वही यासी वही ताहा तो जी जी बिल्कुल औरज़ूर सल्लम असले कायनत हैं रूह कायनत हैं इसलिए वज़ूर सल्ल कायन की इब्ता भी हैं और इंतहा भी हैं मिलादुलनबी सल्ला वल् जो माह रबी नूर के अंदर हम मनाते हैं इसमें यह बात भी जहन नशीन रहे कि ये हज़ूर सल्ला वम की विलादत का जश्न है जब तख्लीक़ की बात की जाती है तो हज़ू सल्ला वम की तखलीक

तो एक रसूल को मबूस फरमाया अब अल्लाह ताला ने तो बेशुमार नेमत इंसान को अता की है लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं फरमाया खुद इंसान अपने वजूद पर गौर करे तो बेशुमार नेमतें नजर आती हैं नेमत 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 ला ला तुसुआ। तुसुआ। जी बिल्कुल अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया जब अल्लाह रबुल्जत ने अपना महबूब इस उम्मत को अता किया तो फिर फरमाया कि ये एहसान है मोमिनों पर मैंने एहसान किया है इसलिए कि यह कारखाना कुदरत का व शाह इस दुनिया को अता किया है कि इससे बड़ी नेमत कारखाने कुदरत में कोई और नहीं हो सकती कि इस नेमत के सबब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को नेमतें अता की। जितनी नेमतें जी अता हुई हैं शब कदर हो शब महराज हो शब बरात हो माह रमज़ान हो जितनी भी है वो सदका तो इसी माह पाक का औलाद आदम को तमाम अम्बयालमसम का वजूद मसूद मिलना भी तो आपकी बदौलत है वाह 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 अच्छा जी आपका सब्जेक्ट होगा मुझे याद आ गया मैं ये भी बात आपसे करना तोरात इंजील जबूर जरतुष्त की अवस्था और ये जो थी हिंदुओं के पुरान हों या ये जो लेटेस्ट अब तो काल की अवतार जो लेटेस्ट किताब आई है पंडित वैद प्रकाश नाय ने गाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन्होंने जो लिखी है सब में जिक्र, चाहे आसमानी थी, चाहे गैर आसमानी किताब में पुरानी, सब में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि पुराने क़रीम ने कितने वाज़े अंदाज़ में कह दिया कि अल्लादीन आते ही ना हूँ किताब, यारिफू ना हूँ कमा, यारिफू ना अब ना हूँ वाव वाव वाव, वा। हमने जिनको भी किताब दी वो मेरे महबूब आलाम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को अपने बेटों को पहचानते हैं सुभान सुभान अल्लाह ये आया करीमा जब यहूद के बहुत बड़ी आ, आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम ने सुनी तो वो अर्ज़ करने लगे ए अल्लाह हम तेरे महबूब आलाम को अपने बेटों से बढ़कर जानते हैं बेटों के मामले में तो हो सकता है कि हमारी बीवियां खयानत कर जाएं लेकिन इनके बारे में तो अल्लाह तू फरमा रहा है अब मुफ्ती साहब पहला जुलूस जो मेलादुलनबी के हवाले से निकला वो तो हुरान बहिशत सत्तर हज़ार तो वो थी जो उस वक्त जो थी एक को ना थी और फिर मलाइका का नजूल हुआ इतना ज़्यादा उस वक्त सारी कायनत में बाहरें आ गए सब लेकिन इंसानों में तारीखी तौर पर तुबाहिमियरी जो था पहला जुलूस से निकाला मदीना जी रिवायत ऐसी मिलती है एक हज़ार साल पहले जी एक हजार साल और कमाल कर दिया उसमें जो खत्म उसने छोड़ा था ना जो हजरत अबू अयूब अंसारी जी फिर तुम के पास से निकला उसमें एक लफ्ज़ ने मुझे बड़ा मुतासर किया उसमें लिखा हुआ था कि आप ख़ातमनबीन है तुब्बाह तो एक हज़ार साल पहले लिख रहा है खातम्न्नबीन है और आज बदबخت लोग जो है उनको ये समझ ही नहीं आ रही ये तो एक हज़ार साल पहले की बात है बल्कि नौ नस्ल इंसानी के आगाज पर ही जब हज़रत आदम ज़मीन पर तशरीफ़ हाँ। तो सबसे पहले ज़िब्रील आलाम ने आकर हुजूर का जो तारफ़ करवाया तारीख इब्ने असा में हदीस मौजूद है उन्होंने क्या कहा था हुआ <laughs> आखिर वालादी का मीना मोहम्मद कि महमद वसम आपकी नस्ल में जितने अम्बिया आएंगे उन सब में आखिरी नबी नबीमलम्बिया इसमें तो शक व शुबा वाली बात ही नहीं हुजूर की जब विलादत हुई तो उस वक्त हजर सैद आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं विलादत के वक्त ना कस्तूरी और मुश्क की खुशबू आई और वो खुशबू आप है आपने ये कहा है तो मुझे खुशबू आ गई है हाँ, आप, आप कमाल लहरान होंगे मैं सच्ची बात कह रहा हूँ बिल्कुल ये तजकार जमीला ही ऐसे हैं हर हर, हर लफ्ज से खुशबू के सोते फूटते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अकदस से तो खुशबू है जिस गली से गुजर जाते काफ़ी देर बाद वहाँ से गुजरने वाला खुशबू और महक से महसूस कर लेता अकाय रहमत गुजर कर गए वो पसीने मुबारक नस्लों तक वो चला है बल्कि गाजी साहब मुझे वो <laughs> नस्लों से बात याद आ गई हजरत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं हाँ। कि मैंने हुजूर के सीने अकदस पर हाथ रखा तो मेरे हाथ से खुशबू आने लगी मुद्दतें गुजर गई और जानते हैं नाजरीन हाँ। हमारे कि करबला के वाक़े के बाद इनका विशाल हुआ था फरमाती में हाथ भी धोती थी कपड़े भी धोती थी बर्तन भी धोती थी काम काज भी करती मुद्दतें गुजर गईं लेकिन वो खुशबू बदस्तूर मेरे हाथ से उसी तरह आया करती थी सुबह अल्लाह मुफ्ती साहब मुझे आज के सवाल का वक्त हो गया एक बात मैं आपको मारिफत की अर्ज कर दूँ और इस पर तजर्बा कर लीजिएगा जो लोग मोहब्बत से नबी करीम अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब के दरूद पाक पढ़ते हैं ना उनके मुंह से बुनी आती वरना ये आती है अगर मोहब्बत से कोई नहीं ना दरूद पढ़ता वो पढ़ता भी रहे तो फिर भी मामला अदरवाइज़ रहते ये मेरा जाती तजर्बा है जो लोग मोहब्बत से इश्क से अदब से दूरद पाक पढ़ते हैं नाज़िकरम उनके बदन से भी खुशबू शुरू हो जाती है मैंने मुतद ऐसे लोग देखे हैं जिनसे खुशबू आती थी और मुझे ये सदत नसीब रही नाज़िक्रम आज का सवाल का वक्त हो गया हम हर रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं जो सही जवाब दें उनको किसान आयल की जानब से हम गफ्ट पेश करते हैं आज का सवाल इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ और जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था सैद इमाम हसन मुशतबा का मिजार अकदस जन्नतब्बकी मदीना मुनवरा में है जिन्होंने दुरुस्त जवाब सबसे पहले दिए खुश नसीब हजरात के नाम मियाँ मोहम्मद यूसफ़ साईवाल मोहम्मद सबर मानसेरा हसन शहजाद गुजरात मोहम्मद शब्बीर लाहौर अब्दुल वहीद ओकाड़ा अज़मत हुसैन शाह रावलपिंडी साममा बतूल सरगोदा मोहम्मद अब्बास तारिक मंडी यजमान बहावलपुर करम अली कराची मोहम्मद साबिर अबान हाफिज़ आबाद सैफुल्ल इस्लाम

गुजरते हुए उस मकाम पर थोड़ी देर के लिए ठहरे तो वहां पर बड़ी खूबसूरत खुशबू आई आहा। तो सयाबिर ने आरस केजूर यह खुशबू कैसी है आपने फरमाया बैदा बिन आरिस की कबर है और उस कबर से ये खुशबू आ रही है इसलिए जो हजूर सल्लाम की मोहब्बत और आप केश के अंदर आप देखिए सईद बिन मुतरफ रजियन का वाक्य वो कहते हैं रात सोता था तो सोने से पहले सो मरतबाज़ूर सल्लाम की बारगाह में दरूद का नजराना पेश करता में तशरीफ़ लाए और फरमाया वो लब करीब करो जिन लबों से तुम मुझ पर दरूद पढ़ते सुबह और बोसा दिया वो कहते हैं बेदार हुआ वाकब का था बेदार हुआ तो कई दिन तक वो घर से खुशबूआती रही इसलिए सल अला फिर कायन के अंदर शरीफ लाए जी हालत की गटा टोप तारीखियां जो थी वो छट गई ए मोहदसीन ने लिखा है कि काबतुल्ला को अल्लाह तला ने जुबान अता की और उसने बारगाह इलाह के अंदर ये शिकायत की थी कि ये जो 360 सो साठ बुत मेरे अंदर हैं तो मैं तो तेरी तोहिद का मरकज था तो ये 360 सौ साठ बुत जो हैं इस गलाजत से कब पाकी होगी तो अल्लाह रबत ने फरमाया कि करीब नूर आएगा के जो आएगाबतः को इन बुतों से पाक करेगा हज़ुर सल्लाम की विलादत अकदस पर काबतुल्ला को हजरत आमिना तय्यबा ताहरा रजी अल्लाह ता के उस नूर कदा की तरफ झुकना यह इस बात की तरफ इशारा था कि मुझे इन बुतों से पाक करने

उन्होंने वो लगाए हुए हैं जैसे ये बल्ब होते हैं वो बने हुए हैं तो मैं शाम को देख के हैरान हो गया इतना ख़ूबसूरत ये बच्चों के लिए भी ये हमें अपनी तारीख के ये जो सजावटें हैं ना ये इसलिए होनी चाहिए कि हमारी बच्चों को भी ये पता चले ये क्यों सारी सजावटें हो रही हैं तो ये बड़ा जरूरी है बिल्कुल ऐसा ही मंजर है जब सल्लल्लाहु अलैहि मदीना तैयबा पहुंचे थे वो बच्चियां रोजाना वहां इकट्ठी होती रोजाना छतों पर चढ़ती फिर वो गीत तैयार हुए फिर ड्यूटी लगी एक बच्चा इंतजार करती फिर जब वो जुलूस निकला अहमद मुस्तफ़ा का और हजूर खुद की आदत कर रहे थे और उसमें नारे लग रहे थे ये हजूर वसल्लम की आमद की खुशी का जुलूस था जिसमें हजूर ने खुद की आदत की और बिल्कुल वही मंजर था बढ़ाते हुए आधे मिनट में बात अर्ज करूँगा कि वो जो जुलूस निकल रहा था वो जाते जाते एक पैगाम दे गए ईमान गौर करें क्या कह रहे हैं वो वाँ। वाँ। जब तक इस कायनात में कोई एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद है उस पर लाजिम है कि वो इस नेमत का शुक्र अदा कर पैगाम जो है इस तरह के भी जुलूस में बाज़ लोग जो थे वो आवाज़ या मोहम्मद के अल्फाज मौजूद है। हैं वो उसमें थे बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर मुफ्ती साहब आपका बशारत आपका भी बहुत शुक्रिया नाजी कराम किताबात से नुस्ख़े का वक्त हुआ चाहता है लेकिन उससे पहले मुझे एक सी ब्रेक कहा जा रहा है लेने के लिए बहुत मख्सर ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजीन कराम किताबात से नुस्ख़े का वक्त हो गया ला इलाज मर्ज का नुस्खा अगर कोई शख्स ला इलाज मर्ज में मुबतला हो और डॉक्टर इलाज से आज़ आ गए हों तो वह बक़सरत या अल्लाह का विद करे इन शाल शिफा नसीब नसीब होगी बशरते कि उसकी मौत का वक्त ना आ गया हो क्योंकि मौत का वक्त मुकर है और अव्वल व आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा कोई भी दूरद पाक जो आपको आता हो वह ज़रूर पढ़ें लेकिन अब चूँकि माह रबीनूर शुरू हो गया है तो ग्यारह ग्यारह की बजाय अब मैं अर्ज़ करूँगा एक एक तस्वीर कम अज़ कम जो है दुरूद पाको आखिर पढ़ें ये सारा पाँच मिनट का काम है लेकिन ये पाँच मिनट जब साढ़े तीन फुट नीचे जाएंगे तो इनकी कदर व कीमत उस वक्त मालूम होगी सैद और मरतदा शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम इर्शाद फरमाते हैं बेशक परहेजगारी तेरी ज़िंदगी में तेरे लिए गुनाहों से बचाओ और मरने के बाद अल्लाह ताली का कर्ब हासिल करने का ज़रिया है नाजर इक्राम ये माह मुबारक खास है इसमें ख़ास तौर पर दुआ करें अल्लाह तजूर नबी आलमी सल्ला वसम तो की गैर मशहूत मोहब्बत और ला महदूद वफ़ादारी हमें नसीब फ़रमाए पाकिस्तान को अल्लाह ताली तो दयानदार फ़रमाए ऐसे हुक्मरान फ़रमाए जो नबी करीम सल्ला तो वम की नामूस की हिफाजत कर सकें जो आपकी खत्म नबूत की हिफाज़त कर सकें और नाजरिक नाम वो नारा आपने इन दिनों ज़रूर लगाना है जो गली गली कूचे कूचे गूंज रहा है और ताकि आमद गूंजता रहेगा मेरे मेहमान भी मेरे नाजरीन सामीन सब मिलकर नारा लगाएँ कल मैं गया था इंटरनेशनल जो थी हज़र मुजदानी कॉन्फ्रेंस फ्लैट होटल में बहुत बड़ी बैरून मल्स में इसकॉलर्स आए हुए थे सब ने जब मैं स्टेज पर पहुँचाऊँ तो फिर उन्होंने तीन मरतबा ज़ोरदार नारा लगाया मुझे बड़ी राहत हुई और ये नाइनटी टू चैनल का एजाज है कि अब हर जगह ये नारे लगने शुरू हो गए वो नारा तैयार हो जाइए लगाने के लिए पाकिस्तान का मतलब क्या ला जी कारी साहब बसम सरकार के औफ का इजहार करेंगे हम पे बिकरम सही अबरार करेंगे सरकार के औ का इजहार करेंगे हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबां का सरकार तौसीफ़ वजीफा है जुबान का ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे हम पे बिक्रम सही दें अबरार करेंगे अल बि اللہ रखे महबूब यकीन अलाह अल उहे रखेगा महबूब यकीन अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे हम पे बिक्रम सही दे अबरार करेंगे.